क्लास 10th रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रूपरेखा अगर मैं आपको चैप्टर की बताऊं तो देखो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं अलग अलग बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन अगर आप देखोगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर तीनों सेक्टर में कंपैरिजन, क्यों टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें आपको चैप्टर में जानने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताया गया है चैप्टर में, और कैसे वर्कर्स को बचाया जा सकता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, बात तो सही है, ये बताया गया है। एंड एट लास्ट कि ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर होता है और क्यों पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है हमारा तीनों सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करते हुए। प्राइमरी सेक्टर पहला सेक्टर, इसे एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये एक बेस प्रोवाइड करता है नेचुरल प्रोडक्ट्स जहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहां पे डील किया जा रहा है नेचुरल प्रोडक्ट्स में, वो प्राइमरी सेक्टर और वो बेस बनता है, इसीलिए प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी है प्रोडक्शन प्रोसेस का। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और एक नई चीज बना देता है, इसीलिए उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। तीसरा सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर या फिर जिसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जहां पे कुछ नेसेसरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी को जो सेक्टर सपोर्ट कर रहा होता है। एक एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं तीनों कैसे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे मान लो कैचअप बनाना है तो प्राइमरी सेक्टर से टमाटर मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर उस टमाटर से कैचअप बनेगा और वो टमाटर को यहां से यहां तक ले जाने के लिए ट्रक लगेगा, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारी चीजें जो सर्विस में आती है वो सर्विस सेक्टर का पार्ट होती है। अब अगर तीनों सेक्टर्स को कंपेयर किया जाए तो सबसे पहली चीज तो ये कि कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये कैसे पता लगाओगे, तो हम वैल्यू से पता लगाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी में कितने का हुआ, टर्शियरी में कितने का हुआ। और जब ये वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना तो इसमें फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या होता है फाइनल गुड्स और क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे एक बिस्किट बनाना है तो उस बिस्किट को हम फाइनल प्रोडक्ट की तरह देखेंगे, लेकिन उसमें आटा, शक्कर, तेल, ये सारी चीजें जो बनाने में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल की हो रही है, उन्हें हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। फाइनल गुड्स के प्रोडक्ट की वैल्यू में इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, इसीलिए हम जीडीपी कैलकुलेट करते समय, जीडीपी क्या होता है, जितना भी प्राइमरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ, टर्शियरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ, जब तीनों सेक्टर्स के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो आपको जीडीपी मिलता है। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड करते हैं। ये पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो इन तीनों सेक्टर्स में हिस्टोरिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। प्राइमरली हर इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है, फिर जैसे एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो लोग एक्सेस प्रोडक्शन होने के बाद में जब फ्री रहते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, वैल्यू एडिशन स्टार्ट होता है, और डेवलप्ड कंट्रीज में आके टर्शियरी सेक्टर डोमिनेट करता है। अब अगर बात की जाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, तो इंडिया में किस तरह से कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किया है, तो देखो जीडीपी हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है, तीनों ही सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जितनी ग्रोथ टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिली है उतनी ग्रोथ कहीं नहीं देखने को मिली है। कारण क्या है, टर्शियरी सेक्टर आया में कॉम्प्लेन बॉय नहीं है जो इतनी तेजी से बढ़ा है, टर्शियरी सेक्टर में कुछ फैक्टर्स ने काम किया है। जैसे सर्विस सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर, बेसिक सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है, सरकार ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ही, इसलिए टर्शियरी सेक्टर का ग्रो होना तय था, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा ना वैसे वैसे टर्शियरी सेक्टर ग्रो करना ही है, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर दोनों सेक्टर्स की ग्रोथ में मदद करता है। तीसरा पॉइंट, लोगों का जैसे इनकम लेवल बढ़ा है तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सर्विस अफोर्ड करना चालू कर दी। फॉर एग्जाम्पल, पहले घर का काम लोग खुद करते थे, अब पैसा हो गया तो मेड लगवाना शुरू कर दिया, जिम की प्राइवेट मेंबरशिप लेना शुरू कर दी, तो सर्विसेज अफोर्ड करने लगे लोग। और चौथा कारण यह है कि बहुत सारी नई सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इमर्ज हुई है, जैसे इंटरनेट। आज से 50 साल पहले इंटरनेट जैसा कुछ नहीं था और आज इंटरनेट के अलावा कुछ नहीं है, तो इस सेंस में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी आई है जिसके कारण टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन एक चीज समझना होगी कि हर सर्विस सेक्टर एक जैसा ग्रो नहीं करता है, जो स्किल्ड और एडुकेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो तो खूब पैसा छाप रहे हैं, लेकिन जहां पे आप देखेंगे स्मॉल रिपेयर पर्संस, प्लंबर्स और ट्रांसपोर्ट पर्संस जो है वो उतना ग्रो नहीं कर रहे हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और चैप्टर में आपको दो कंपैरिजन दिखाया जाता है। इन दोनों ग्राफ्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा
कि जीडीपी में तो सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन वेर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? तो आज भी लोग जो है, बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। क्यों? मन नहीं कर रहा क्या खेती छोड़ने का? तो कारण यह है कि आपको समझना होगा, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ग्रो तो बहुत कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करी है, और प्राइमरी सेक्टर जो है वो ग्रो उतना नहीं कर रहा है जीडीपी के टर्म्स में, पर उसमें आज भी लोग एम्प्लॉयड इसलिए क्योंकि लोग अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड होने का मतलब यह है कि पीपल आर वर्किंग बट दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल, यानी कि अगर वहां से आप कुछ लोगों को हटा भी लोगे तो प्रोडक्शन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वो लोग जुड़े हुए हैं उसमें। क्यों? क्योंकि करने को काम कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम नहीं है। तो सवाल यही आता है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म किया जाए। तो कुछ एग्जांपल्स बुक में भी है, और अगर सीधा उन एग्जांपल्स का मैं आपको क्रक्स बताऊं तो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करो तो जो लोग अंडर एम्प्लॉयड है उन्हें काम मिल जाएगा। आप लोन अवेलेबल करवाओ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करो, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग चालू करवाओ। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मान लो अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो दाल प्रोड्यूस कर ली तो दाल मिल्स एस्टैब्लिश की जाए, जैसे टमाटर उगाए जा रहे तो टमाटो कैचअप के फैक्ट्रीज लगाए जाए। इसके अलावा कुछ नए एरियाज है जिनको एक्सप्लोर करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी जॉब जनरेट हो सकती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि 20 लाख जॉब्स एजुकेशन सेक्टर में ही जनरेट हो सकती है। ये सारा सब कुछ किया जा सकता है पर इसमें समय लगेगा। तो इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी 2005 में, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाबू, इस एक्ट के तहत 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा सरकार के द्वारा रूरल एरियाज में लोगों को, जहां पे अगर सरकार फेल होती है काम देने में तो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउवेंस भी देगी, और काम जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े इस तरह का काम दिया जाएगा। दिस वॉज एन इनिशिएटिव अंडर राइट टू वर्क कि लोगों को काम दिया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के। ये हमने देखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। अब अगर हम बात करें सेक्टर्स को देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, तो एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता और कमल की कहानी के थ्रू पूरा चैप्टर आपको समझाया गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी चीजें रेगुलेटेड होती है, गवर्नमेंट के सुपरविजन में होती है, पेड हॉलीडेज मिलेंगे, फिक्स्ड टेन्योर होगा, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होंगे, आपको दूसरी बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, पेड लीव्स हो गया, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसी के अपोजिट है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन में नहीं है, स्मॉल शॉप्स वगैरह जो आ गई जहां पे एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है वर्कर्स का, कोई पेड लीव नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं, और किसी भी प्रकार का वर्किंग आवर्स टेन्योर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहाँ पे क्लियर कट तरीके से दिख रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बेहतर है, लेकिन बहुत बड़ा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करते हैं, उन वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो जैसे अगर आप देख रहे हैं रूरल एरिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आएगा उसमें लैंडलेस लेबरर्स आ गए, तो इन लैंडलेस लेबरर्स को सीड प्रोवाइड किया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए कि उनका प्रोडक्ट्स खरीद लिए जाए। अर्बन एरियाज में जो पिटी वर्कर्स हैं जैसे रिक्शा पुलर्स वगैरह, तो इन लोगों को सपोर्ट किया जाए किस तरह से कि इन्हें रॉ मटेरियल, या फिर जो स्मॉल वर्कशॉप में काम कर रहे हैं लोग उन्हें रॉ मटेरियल वगैरह टाइमली डिलीवर करवा दिया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप वर्कशॉप्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बचा सके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा लोग कभी कभी डुअल प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक तो वो इकोनॉमिकली भी वल्नरेबल है, साथ ही साथ अगर वो सोशली वल्नरेबल है जैसे वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो रिस्क और बढ़ जाती है। चैप्टर आगे बढ़ता है। इन क्लासिफिकेशंस के अलावा ओनरशिप के बेसिस पे भी सेक्टर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि जिसका मालिक सरकार खुद होती है। सरकार क्यों इंडस्ट्री चलाएगी? क्योंकि सरकार को लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव नहीं होता है। जैसे आप इंडियन रेलवेज को देखेंगे, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, बिजली प्रोवाइड करना है, तो इसलिए सरकार के द्वारा ओन किए गए सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी कि जहां ओनरशिप एक प्राइवेट प्लेयर के पास होती है, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट होगा तभी वो दुकान भी चला पाएंगे ना अपनी, तो इस तरह से एक प्राइवेट ओनरशिप होती है। अब कहीं पर अगर हम देखें कि पब्लिक सेक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? सवाल यही बनता है। तो देखो, सरकार जो है ना वो चीजों को रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करेगी, कोई भी प्राइवेट प्लेयर रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर सकता है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। लॉस खा के भी अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जैसे मान लो कि पीडीएस सिस्टम हो गया जहां पे सरकार 20 रुपए में गेहूं खरीदती है, 2 रुपए में बेचती है, लेकिन सरकार वो बेचेगी क्योंकि वो सर्विस मोटिव है।
कभी कभी कुछ सेक्टर्स के ग्रोथ के लिए सरकार के सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे बिजली को कम दाम में देना सरकार की नेसेसिटी, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं चल पाएगा, इसलिए पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है। और कुछ सर्विसेज तो बेसिक है नेचर में, जैसे हेल्थ एजुकेशन, सरकार को इस पे खर्च करना ही पड़ेगा। दिस वॉज द होल चैप्टर, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, पूरा चैप्टर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन। तब तक अपना ध्यान रखो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।